वेलकम। कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है टोमेटो केचप की। टोमेटो केचप बनाने के लिए हमने लिए हैं किलो टमाटर, उसे हमने इस तरह काट के रख लिया है। उसके अलावा मैंने हाफ टी स्पून लिया है लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लिया है मैंने नमक, 2 लहसुन के जवे लिए हैं और मैंने मसाले गर्म मसाले में यूज़ कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रही हूँ। लौंग लिए मैंने, काली मिर्चें लिए 3 से 4 अदद साबुत, और मैंने दालचीनी के 2 पीस लिए हैं, इस तरह 2 से 3 पीस लिए हैं। इसके अलावा मैंने यूज़ किया है 1/2 पाव चीनी, और हम जितनी चीनी यूज़ करेंगे उतना ही हम सिरका इसमें डालेंगे। अगर आप आधी प्याली डाल रहे हैं तो आधा प्याली ही आप सिरका डालेंगे। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने हाई फ्लेम पे अब टमाटर को गलने के लिए रख दिया है, इसके अपने पानी में ही, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। इसको ढक के आप इसको 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपने पानी में पकने के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं, और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मेरी नॉनस्टिक की बर्तन था इसलिए मैंने इसको आपको हाई फ्लेम कहा था, सॉरी। आप लोग जो भी, आप स्टील का जो भी बर्तन यूज़ करेंगे उसमें आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको जाके हिलाइएगा ताकि लग ना जाए टमाटर। तो ये देखें, मेरे मुश्किल से 10 मिनट लग गए, तो ये हमारे टमाटर गल गए। अब मैं इसको, टमाटर की जो प्यूरी रेडी हुई है इसको ठंडा करने पर ब्लेंड कर लूँगी। जब ये ब्लेंड हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं इसको छान लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप कि क्या करना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटो प्यूरी हमारी रेडी है। ये इस स्टेप पे हमारी जो हम टमाटो प्यूरी लेते हैं बाज़ार से बनी बनाई, ये देखें हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, मिर्चें, ये मैंने पोटली बनाई है, इसमें मैंने लहसुन और ये लौंग ये सब कुछ डाल दिए, दालचीनी। अब हम ये डालेंगे, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें डाल लीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने इस तरह इसको यूज़ किया। अब इसमें हम डालेंगे अपनी चीनी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके अलावा हम डालेंगे विनेगर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह बगैर ढके पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। जब हमारे प्यूरी थोड़ी थिक हो जाएगी तो उस स्टेप पे हम ये अपनी बोटली निकाल लेंगे। मैं इसमें अभी टमाटो केचप जो बना रही हूँ वो गार्लिक में है। अगर आपको गार्लिक टमाटो केचप नहीं चाहिए तो आप गार्लिक ना डालिए, सिर्फ आपने ये जो गरम मसाला मैंने आपको बताया आप सिर्फ वो डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट के लिए इसे, पहले मैंने इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम किया था, मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है, बगैर ढके हुए आपने इसको पकाना है। बस ये थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा, ये जो ही थिक होगा हमारा टमाटो केचप, फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या निशानी है कि तैयार हो गया। घर में ट्राई किया करें कि जो चीज़ हो घर में बनाएं थोड़ी बनाएं, बच्चों को घर के चीज़ों का टेस्ट डिवेलप करें ताकि बच्चे बाहर की चीज़ों से दूर रहें। आपको पता है कि आजकल बाहर की चीज़ें किस तरह की मिल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया करें। खुद भी, जब आप खुद अवॉइड करेंगे ना तो बच्चे भी अवॉइड करेंगे। हमारे बच्चे तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि घर की चीज़ बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटो केचप रेडी है। अब हमने इसकी किस तरह देखना है कि ये रेडी है, हमने एक प्याली में इस तरह डालना है। ये देखिए, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, यानी ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। हमें इस तरह का केचप चाहिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसे ठंडा कीजिए, किसी बॉटल में डालिए और इसे सेव कीजिए, ये 1 मंथ सेफ रहेगा। अगर आपके घर में टमाटो केचप से किसी के गले ख़राब होते हैं तो आप इसमें विनीगर का कम इस्तेमाल कर लीजिएगा। विनीगर इसलिए डलता है ताकि केचप ज़्यादा टाइम सेफ रह सके। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार केचप हमारा रेडी है। ट्रस्ट मी, इसका जायका बहुत मज़े का है। ये बाज़ारी केचप से बिल्कुल डिफरेंट है, घर की बनाई हुई चीज़ सुतरी होती है और मज़े की भी होती है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।